उसने निश्चित रूप में पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दिया है। मैं रास्ते में आ रहा था और रास्ते में आते समय मैं जगह जगह पर लोगों के विचारधाराओं को जानता हुआ आ रहा था। मुझे याद है कि मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, उस समय आया था। फिर हमारे अनंत विक्रम सिंह जी ने एक कार्यक्रम रखा था आदरणीय गरिमा सिंह जी के, उसमें तब भी मैं आया था। और आज इतने लोगों के बीच में मैं आया हूं, मंच पर हमारे उपस्थित आदरणीय गरिमा सिंह जी, जो उस समय में प्रत्याशी के रूप में आया था, आज अपने विधायक बनाकर यहां पर भेजा है। हमारे पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय दल बहादुर कोरी जी, हमारे वर्तमान मंत्री आपके प्रतिनिधि श्री सुरेश पासी जी, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर अमेठी और आसपास के जिलों का करें तो दो तीन महानुभूति ऐसी हैं जिनको आप इस क्षेत्र का विस्मितामा कह सकते हैं। तेजवान सिंह जी आदरणीय, हमारे भूत तो नहीं दिख रहे हैं आपको लेकिन अभूतपूर्व है, जमुना जी, और मंच पर आधारित बैठे हुए हमारे सारी जंगों को बहादुर की तरह जीतते हुए जंग बहादुर जी, हमारे कि ये वो स्थल है जिसने देश की राजनीति में आजादी के बाद अगर देखो तो 70 साल से भी ज्यादा गुजर गए, 3/4 समय से ज्यादा एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन अमेठी वंचित क्यों रहा? कांग्रेस की थ्योरी रही है कि गरीब गरीब बना रहे। अगर गरीब की स्थिति अच्छी हो गई और ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई और ज्यादा समझदारी उसको शिक्षा में आ गई तो फिर वो कांग्रेस को नहीं, फिर वो किसी और को पसंद करने लगेगा। इसलिए क्षेत्र का विकास नहीं कराओ। और आज ये बात सिद्ध होने वाली है कि चौकीदार चौकन्ना हो गया है, और गांव-गांव का जो चौकीदार है वो चौकन्ना होकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष की सरकार पूर्ण बहुमत से आए, और अमेठी में एक अभूतपूर्व अजय जो यहां पर लीड है वो प्राप्त हो, इसके लिए आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज जो आक्रोश है जनता का यहाँ के सांसद के खिलाफ वो आज सड़कों पर दिखा है और यहाँ मैदानों पर दिखा। जितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो मैदान छोटा पड़ गया है रामलीला मैदान। सर, राहुल गांधी ने कहा गरीबों को 72,000 देने की बात की, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, राहुल जी की गारंटी उनके पार्टी वाले उनकी नहीं दे पाते। जनता की, राहुल जी जब तक रहे उनसे पूछना चाहिए, जब तक आप सत्ता में रहे तो आपने क्या किया? कांग्रेस के मोदी जी ने तो रहने के बाद में गैस का सिलेंडर भी मुहैया कराया, घर घर बिजली भी मुहैया कराया, 6,000 रुपए खातों में भी बचवाए किसान भाइयों के सम्मान राशि का, ऋण की माफी भी किया, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी एक निश्चित इनकम का जरिया भी पेंशन के रूप में किया है, और तमाम जगह पर आवास भी प्रधानमंत्री जी के बना कर दिए हैं, शौचालयों का निर्माण भी किया है, 5 लाख रुपए तक की 50 करोड़ लोगों के लिए जो आए वो जो स्वास्थ्य की रक्षा है आयुष्मान भारत के अंतर्गत चिकित्सा की व्यवस्था भी किया है, हमने कर दिया है भैया। सपना देख रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी में रहे एक वरिष्ठ नेता है हाजी हारून रशीद, उन्होंने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। देखिए, अभी तो देखते जाइए, उनके घरों का संघर्ष है, ये सत्ता का संघर्ष कहीं और का नहीं दिखाई, ये दल आपस में लड़ रहे हैं, और इसके बाद थोड़ी देखिएगा ये जो सल्तनत की सियासत है वो घर के अंदर तक पहुंचने वाली है। लेकिन